हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन रेस्टोरेंट सीक्रेट। मैं हूं शेफ सिद्दीकी, आई एम शेफ सिद्दीकी। सो द फर्स्ट वीडियो फॉर आवर न्यू पिज़्ज़ा सीरीज इज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द डो रेसिपी, हाउ वी मेक द डो, हाउ आई मेक माय डो फॉर द पिज़्ज़ा एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस डो। यू विल सी देयर इज अ फोर वे वी कैन मेक द डो विद दैट। वन इज पॉलिश, वन इज बीगा, बीगा इज इटालियन, देन देयर इज sponge. One is sponge and one is the traditional old way of the dough making. What is the difference in all four, I will show you in another video. But today the recipe I am making is from sponge and the old way tradition. So aaj ki jo meri video hai, pehli video hamari new pizza series ki, pizza dough. पिज़्ज़ा डो को बनाने के लिए चार तरीके होते हैं, जिन चार तरीकों से पिज़्ज़ा डो को तैयार किया जाता है। एक होता है पॉलिश, एक होता है बेगा, और एक स्पॉन्ज, और एक होता है ओल्ड वे, उसको बोलते हैं ओल्ड वे पिज़्ज़ा डो मेकिंग का। ठीक है, सारी चीज़ों के डिफरेंट तरीके हैं कि किस तरह से ये तैयार की जाती है, लेकिन मैं जो हमारी जो डो तैयार कर रहा हूँ आज, वो स्पॉन्ज और द ओल्ड वे को मिक्स करके अपनी रेसिपी तैयार कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। और अदर रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा और आपको आइडिया दे दूँगा कि आप कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो, इस रेसिपी के लिए यहाँ पे जो मैं आज तैयार कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, सो फॉर द स्पॉन्ज वी यूज ईस्ट, सॉल्ट, मिल्क एंड फ्लावर। ओके, तो फ्लावर यूज़ करते हैं, ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ करते हैं उसके लिए। दूध इस्तेमाल करते हैं, नमक इस्तेमाल करते हैं और ईस्ट इस्तेमाल करते हैं। स्पॉन्ग वी यूज़ टू मेक ब्रेड, बंस एंड मैनी बेकरी आइटम्स। सो स्पॉन्ग से हम काफ़ी जो बेकरी की आइटम्स हैं वो तैयार करते हैं। और सेकंड जो ट्रेडिशनल वे है, ओल्ड स्टाइल इसको हम बोलते हैं, ईस्ट आ जाती है इसमें। मैं यहाँ पर फ्रेश ईस्ट यूज़ कर रहा हूँ। सॉल्ट आ जाता है, पानी आ जाता है और आटा आ जाता है, ऑल पर्पज़ फ्लावर आ जाता है। ये चीज़ें, ये दो डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। ठीक है, दीज आर द टू डिफरेंट रेसिपीज़। देर इज़ अ ट्विस्ट इन माई रेसिपी टू मेक और इन्हेंस द फ्लेवर। व्हाट आई डू, आई यूज शुगर विद दैट एज वेल। सो शुगर ऑल्सो हेल्प ईस्ट टू रेज क्विकली, बट the way I use it, I give him a flavor in my dough, so it's a unique taste and different taste than the other dough. It's become crispy outside, but when you take a bite, it will be very soft from inside. So स्पॉन्ग में, स्पॉन्ग ब्रेड, स्पॉन्ग जो है, इससे आप ब्रेड वगैरह बनाते हैं, बंद वगैरह बनाते हैं, और बेकरी की कई आइटम्स आप स्पॉन्ग से तैयार करते हैं, इस रेसिपी से तैयार करते हैं। ये ईस्ट को ऐड करने का वे होता है, इसमें दूध यूज़ होता है, ईस्ट यूज़ होती है और आटा यूज़ होता है। ठीक है, इसको मिला के रख लिया जाता है और देन उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है नेक्स्ट डे। और जो ट्रेडिशनल वे है, जो आम एक रेगुलर तरीका हम घरों में भी यूज़ करते हैं, नमक लेते हैं और पानी लेते हैं और आटा लेते हैं और उसको जस्ट मिक्स करके ईस्ट को तैयार कर लेते हैं। जब वो रेज होती है तो हम उससे अपनी जो डो है, जो भी नान तैयार करना है या पिज़्ज़ा तैयार करना है, हम उससे बना लेते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी डो को यूनिक बनाने के लिए इन दोनों चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, और इसमें अपना फ्लेवर एक साथ ऐड कर रहा हूँ, शुगर ज़्यादा ऐड करके, चीनी को ज़्यादा ऐड करके। तो उससे क्या होगा कि एक तो डो पे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है चीनी की वजह से। ठीक है, ऑयल भी ऐड कर रहा हूँ मैं साथ अंदर, और बाहर से ये क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से जब आप बाइट लेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो रेसिपी को शुरू करते हैं और बाकी चीज़ें आगे वीडियो में देखते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, आई हैव हियर लुक वार्म वाटर, नॉट द कोल्ड वाटर, नॉट द हॉट वाटर, लुक वार्म। ओके, नीम गर्म पानी यहाँ पे मेरे पास है। तो अमेरिकन डो में, इस डो में हम 56% जो लिक्विड है वो यूज़ करते हैं। तो जितना भी आपका आटा है, आपने उससे 56% इसको लेना है, छोटी क्वांटिटी है या बड़ी क्वांटिटी है, लिक्विड लेना है। उस लिक्विड में आपका जो ऑयल है वो भी आ जाता है, और अगर कोई और चीज़ आप दूध ऐड कर रहे हैं जैसे, वो भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें
उस 56% में आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से हम इसको ऐड करेंगे, इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया, ठीक है, 300 ml मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया। आप ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा ऐड कर दें, कम करना चाहते हैं कम ऐड कर दें। उसके बाद मैं इसके अंदर ईस्ट ऐड कर रहा हूँ, ईस्ट आपने 0.1% अपनी जो आपकी रेसिपी है उसमें लेनी है, अपने वेट के अकॉर्डिंग, कितने वेट का आप जो आटा है डो है तैयार कर रहे हैं। सो द ईस्ट वी यूज 0.1% ऑन द वेट ऑफ योर फ्लावर। ओके, सो इसको मैंने यहाँ पे फ्रेश ईस्ट यूज़ किया, इसलिए ये इस तरह से है, इसको हम ऐसे डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं। उसके बाद जो इसमें चीज़ जा रही है जो मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर आप 20 kg बना रहे हैं तो उसके अंदर मैं 300 ग्राम जो है 300 ग्राम आई एम एडिंग द सॉल्ट। सो 300 ग्राम 300 ग्राम नमक मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, और जितना भी आप नमक ऐड करेंगे आप इसके अंदर जो मेरा सीक्रेट है वो शुगर है पहली चीज़ वो ऐड कर रहे हैं डबल क्वांटिटी में, नमक से डबल क्वांटिटी में आपने इसमें चीनी ऐड करनी है जब भी ऐड करनी है, ठीक है, चीनी चलेगी इसके अंदर, ईस्ट चले गई और दूध और नमक चला गया। इसको हाथ से मैं मिक्स कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, ठीक है। ऑयल जो है मैं इसके अंदर नहीं डाल रहा क्योंकि वरना ऑयल से इसको धोना मुश्किल है, तो जो ऑयल है वी ऐड इन द फ्लावर। तो ये देखें जी, ये एक और सीक्रेट चीज़ है हमारी जो मैं अपनी रेसिपी में ऐड कर रहा हूँ, इसको कहते हैं बेगा, ठीक है। ये कैसे बनाना है, इसमें जस्ट अभी जो मैंने आपको स्पॉन्ज और जो हमारी दूसरी ट्रेडिशनल रेसिपी दिखाई है सिमिलर वे है, लेकिन उसी छोटी सी क्वांटिटी में आपने आटा भी, 1 कप आटा भी जो है वो मिक्स कर देना है और उसको बना के आपने रख देना है। जब आप डो बनाएं तो ये भी साथ उसके अंदर ऐड कर दें, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्लेवर जो है आपकी डो को देता है। बल्कि मैं ये आपको दिखा ही देता हूँ किस तरह से तैयार करके रखना है आपने। ये आ गया हमारा आटा, उसके बाद जी जो हमारा लिक्विड है हमने तैयार किया वो डाल दें इसके अंदर। सो ये गया जी हमारा बेगर, ये आ गया ऑयल, तकरीबन 1/2 लीटर में ऐड कर रहा हूँ, और अब हमने इसको मिनिमम 14 मिनट के लिए मिक्स करना है।